नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा बस स्टैंड के समीप एक व्यवसायिक परिसर का निर्माण रेडी फेडी धारकों की ओर से करवाया गया था और नगर परिषद द्वारा ही वहां पर जगह चिन्हित करके दो दर्जन से अधिक कारोबार करने वाले कारोबारियों को बसाया गया था, लेकिन विडंबना है कि उक्त जगह पर नगर परिषद द्वारा जो जगह चिन्हित की गई थी वहां पर ढाई दर्जन से अधिक रेडी फेडी धारकों ने तकरीबन 1.5-1.5 लाख प्रत्येक कारोबारी ने लगाकर वहां अपने व्यवसायिक परिसर में दुकानों का निर्माण किया, लेकिन वर्तमान में वहां पर ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की और ना ही शौचालय की व्यवस्था है, जिसके बाद जैसे ही व्यापारी अपने व्यापारिक परिसर में रोजाना की भांति कारोबार करने के लिए दुकानें खोलने पहुंचे तो पाया कि आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों की नीचे जमीन ही धस गई है और सीमेंट से बने लेंटर में भी बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं और दरारें पड़ गई हैं। पीड़ित व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 2-3 साल पहले नगर परिषद की ओर से यहां पर कारोबार करने के लिए जगह चिन्हित की थी और यहां पर 2 दर्जन से अधिक कारोबारियों ने 1.5-1.5 लाख खर्च करने के बाद भी यहां पर बिजली पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है और यहां पर कारोबार करना किसी खतरे से खाली नहीं है। हुकमचंद ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पीड़ितों को यथावत संभव सहायता प्रदान की जाए ताकि वे नए सिरे से अपना कारोबार कर सकें। नगर परिषद की ओर से चिन्हित की गई जगह पर हुकमचंद का कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद नगर परिषद को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी मौके पर नुकसान का जायजा लेने नहीं पहुंचा और स्थिति का मुआयना तक नहीं किया है। इस बात को लेकर उन्होंने स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल से कारोबारियों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। मतलब 14 सालों से दुकानें लगाते थे बस स्टैंड में, फिर हमको उठाया, फिर इस जगह दी गई और इस जगह पर बोला भाई आप बना लो अपने पैसे से दुकानें जो हमने बनाई, करीब करीब 1.5 लाख रुपए के खर्च हुआ है दुकानें बनाने में और 3-4 साल तक मतलब हमारा कोई भी सुध बुध नहीं दी गई सरकार ने, ना बिजली है ना पानी है ना कुछ भी नहीं है, हम कैसे गुजारा करते हैं हमको पता है। और अभी तक भी मतलब देखो अब गड्ढा पड़ गया नीचे, 4 दुकानें डैमेज हो चुकी है पूरी, ठीक है जी, जब तक एक गड्ढा पूरा नहीं होगा तब तक हम बेरोजगार हो जाएंगे।